मिथिलेश रघुवंशी, पत्रिका संवाददाता मंडीदीप। आज आपसे एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है, उसका संक्रमण मध्य प्रदेश तक पहुँच चुका है। कल जबलपुर में कोरोना वायरस से 4 लोग पॉजिटिव पाए हैं। इस संबंध में बीते कई दिनों से शासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने रविवार को जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। मित्रों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जनता कर्फ्यू जातिगत, राजनीतिक, धार्मिक या किसी विशेष मंशा से नहीं किया गया, बल्कि देश के 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। इसका तकनीकी पहलू ये है कि शनिवार रात 12 बजे से सोमवार सुबह तक तकरीबन 36 घंटे देशवासियों को आइसोलेशन में रखने की के तहत ये जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई है। इससे कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, जिसका असर कि 12 से 14 घंटे तक होता है, कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और देशवासी जब अपने घरों में रहेंगे तो इस संक्रमण से बच सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, अपील है कि पूरा विश्व जहां इस संक्रमण से जूझ रहा है और हमारा देश भी अब कहीं ना कहीं इससे तेज़ी से संक्रमित हो रहा है, हम खुद को, अपने शहर को, अपने परिवार को इससे बचाएं और शासन और प्रशासन की तरफ से जो सावधानियां बरतने के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका पालन करें। निश्चित ही हम इस संक्रमण से बच सकेंगे, हमारा शहर बच सकेगा, हमारा प्रदेश बच सकेगा और हमारा देश बच सकेगा। जय हिंद, जय भारत।